बिलासपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला रहा। महापौर बनाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। पूर्व मंत्री ने शहर से कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी। कांग्रेस सत्ता के भरोसे चुनाव लड़े जबकि और गुटबाजी में फंसे रहे और आखिरी तक गुटबाजी होती रही जिसकी वजह से स्पष्ट बहुमत नहीं आया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष रामदेव कुमावत ने कहा कि पार्टी ने मेहनत की लेकिन निर्दलीयों ने समीकरण बिगाड़ दिया है। उधर कांग्रेस के प्रवक्ता ऋषि पांडे का कहना है कि गुटबाजी नहीं हुई है, बहुमत मिला और शहर अध्यक्ष ने अपना वार्ड छोड़कर दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ा इसीलिए हार गए। वासियों के पास जाऊंगी और उनके साथ बात करके मैं तय करूंगी। अभी तो मुझे मालूम भी नहीं कौन कितनी किस स्थिति में है। मैं तो पिछले 15 दिन से देखेंगे कहां हमारी जरूरत है और हमारे साथ देने से हमारे वार्डवासियों को किसके साथ देने से फायदा मिलेगा। मैं तो अपने वार्ड की जनता का फायदा देख क्या दावा अपनी जगह सही था। जैसा कि सभी लोगों से मतदान के बाद में फीडबैक जो मिला कार्यकर्ताओं से कि भाई उनके वार्ड में क्या पोजीशन रहेगी, उसके हिसाब से बीजेपी को निश्चित रूप से 40 से ज्यादा सीट जीतना चाहिए था, लेकिन कुछ वार्डों में हम कम वोटों की वजह से भी हारे हैं।